साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में 9वां दिन, राहुल गांधी को लोगों ने बताई समस्याएं, काम करने के लिए सीएम गहलोत को आदेश। मोदी की हत्या की बात कहने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार, पटेरिया के घर सुबह 5:30 बजे पहुंची पुलिस, पार्टी भी नोटिस देगी। अरुणाचल में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ी, पीएलए के 600 जवान गलवान जैसा हमला करने आए। जम्मू कश्मीर में 2022 में मारे गए 56 विदेशी आतंकी आतंकवादी रैंकों में शामिल 86 स्थानीय युवकों का भी सफाया। शिवाजी विवाद में घिरे महाराष्ट्र गवर्नर की शाह को चिट्ठी, कहा मार्गदर्शन कीजिए, आपके ही कहने पर राज्यपाल पद स्वीकारा था। फरुखाबाद में एसपी के निर्देश के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस, 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों से लेकर मोहल्लों में गश्त करी पुलिस। कानपुर चकेरी में पैदा हुआ एक और विकास दुबे, रंगदारी ना मिलने पर 10 राउंड की फायरिंग। आगरा में सीआईएसएफ आईजी ने किया ताजमहल का निरीक्षण, ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। फिरोजाबाद में आरक्षण को लेकर लोग हुए लामबंद, वार्ड नंबर 24 के लोगों ने एससी सीट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदेश भर में जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी अभियान पर लगा विराम, अभियान पर विराम लगने से बाजारों में आई चमक। जबरन मिलिट्री करियर में धकेले जा रहे हजारों बच्चे, अमेरिका के कई पब्लिक स्कूलों पर लगे आरोप, बच्चे और माँ बाप पर कर रहे विरोध। भगोड़े नित्यानंद की प्रतिनिधि को ब्रिटिश संसद से न्योता, रेप और किडनैपिंग के आरोप के बाद भारत छोड़कर भाग गया था बाबा। काबुल में चीनी होटल पर हमला, तालिबान हुकूमत ने कहा तीनों हमलावर मारे गए, 2 विदेशी नागरिक घायल। अमेरिका ने पकड़ा 1988 के आतंकी हमले का आरोपी, लंदन से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में किया था धमाका, 270 लोगों की गई थी जान। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की बड़ी मुसीबत, हार के डर से एक के बाद एक अपनी सीट छोड़ रहे हैं सांसद। फाइनल से एक कदम दूरी मेसी, फुटबॉल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल एक क्रोशिया अर्जेंटीना के बीच। बाईस साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीता इंग्लैंड, पाक अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से भी बाहर। प्लेन क्रैश में बाल बाल बचे डबल ओलंपिक चैंपियन रूस दिशा, केन्या में हुई दुर्घटना, उलट गया प्लेन। बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते हैं रहाणे, ईशान सूर्या किल को मिल सकता है प्रमोशन। कोहली के 72वें शतक पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज राशिद लतीफ ने दिया बड़ा बयान, बोला यह शतक गिनने का वक्त नहीं है। करीना के साथ वर्कआउट में जुटे नन्हे जय, एक्सरसाइज के दौरान किया परेशान, फैंस को पसंद आया मां बेटे का बॉन्ड। नोरा ने जैकलीन के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा, लगाए गंभीर आरोप, कहा जबरन सुकेस के साथ जोड़ा जा रहा मेरा नाम। पुष्पा के प्रोड्यूसर्स के घर आईटी की रेड, 15 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी, कंपनी में विदेशी फंडिंग होने का शक। कृति
कृति सेनन का ट्रेडिशनल अवतार मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर आउटफिट में कृति ने कराया शूट, वीडियो देख फैंस ने लुटाया प्यार। जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं रामचरण उपासना, शादी के 10 साल बाद कपल ने दी गुड न्यूज, 2023 में आएगा नन्हा मेहमान। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।